हेलो दोस्तों, BNT यूनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं बंटी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल BNT यूनिक के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं वो पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताने वाला है, कहीं भी आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड, जब से GB व्हाट्सअप गया है मैंने तो स्टेटस लगाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं किसी और के स्टेटस डाउनलोड नहीं कर पा रहा था। बट फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप बिना किसी का वीडियो डाउनलोड किए अपने स्टेटस पे कैसे लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। पाँच मिनट का वीडियो होता है, पर प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं या आधा बीच में से काट के देखते हैं, तो शायद वो ट्रिक जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक आप नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि आपको कोई स्टेटस डाउनलोड करना होता है, आपको उसको सेंड मी का मैसेज भेजना पड़ता है, बट वो आपको सेंड नहीं करता है और फिर आपको गुस्सा आ जाता है, मतलब इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको स्टेटस डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। काफी बार हम स्टेटस डाउनलोड करते हैं तो हमारा मेमोरी कार्ड या फोन मेमोरी फुल हो जाता है, तो उस चीज से भी हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, बेकार की बातें सारी खत्म करते हैं और फटाफट मेरी मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि बिना आप अपना किसी का भी स्टेटस, किसी भी फ्रेंड का स्टेटस बिना डाउनलोड किए अपने स्टेटस पे कैसे लगाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो पे बने रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कैसे किसी का वीडियो बिना डाउनलोड किए अपने स्टेटस पे कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, हर चीज समझ जाएंगे आप। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो और अब मैं बताता हूँ उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी। ये एप्लीकेशन रहेगी फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं इस ऐप को यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, कुछ ऐड आपके सामने आएंगे। नीचे स्टार्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना होगा जिसपे लिखा होगा व्हाट्सएप स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का जो स्टेटस होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। इसमें इमेज और वीडियो का दो ऑप्शन होंगे फ्रेंड्स, तो आपको वीडियोज के ऊपर क्लिक करना होगा। वीडियोज पे क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने सारे वीडियोज आ गए। अब हमें लगाना है जैसे कि ये वीडियो मुझे मेरे स्टेटस पे लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मेरे स्टेटस पे लगाना है, स्टेटस पे बिना डाउनलोड किए अपने मोबाइल के अंदर। तो उसके लिए नीचे शेयर का ऑप्शन दिया होगा, उसको हमें शेयर करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद में हमें हमारे व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और व्हाट्सएप स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा, इसके ऊपर ओके करके आपको यहाँ पे शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद में आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसको पोस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको जब आप पोस्ट करेंगे तो ये आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में लग जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लग गया है फ्रेंड्स। इसको मुझे डाउनलोड भी नहीं करना पड़ा, ना मेरा ये मतलब मेमोरी कार्ड के अंदर आया, ना मेरी फोन मेमोरी में आया, ना मेरी फोन मेमोरी फुल हुई और मैंने स्टेटस भी लगा दिया। मेरे को किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, अब ये ऐप डाउनलोड कैसे करना है, ये ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सर्च बार पे क्लिक करना होगा और स्टेटस डाउनलोडर फॉर व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप आपको सर्च करना होगा और इस तरीके का ऐप आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आप इसको डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में।